तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि 5 वर्ष बाद क्या होता है कि लोकसभा भंग हो जाता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होते। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी बीएस रामा देवी। कौन थी? बीएस रामा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बाद गठन कब हुआ? तो राज्यसभा की पहली बाद गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई वह 13 मई 1952 को हुई। कब हुई? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए कि केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो ये कानून बना सकती है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत होने पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल अधिकतम 6 माह हो सकता है। कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। अगला प्रश्न है आपका कि किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व द्वीप, इनका राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन में होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में जब निर्णय किसी तरफ न जाता हो तो उस टाइम उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से उपराष्ट्रपति थे? 12वें उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कुल कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कम से कम 20 अनुमोदन होना चाहिए।
अगला प्रश्न है आपका कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है। तो राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हो, दोनों को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का क्या है? वर्णन है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। तो ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। किस देश के सम्राट से? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है। तो ये भी राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग क्या कराता है? संचालित करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। तो ये चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये रिलेटेड है अनुच्छेद 60 से। किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 60 में कहा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं गए थे। तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई। तो कार्यकाल खत्म होने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वित्त व्हील के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो आपको पता है कि लोकसभा में आपका 2 सदस्य और राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद क्या करता है? सलाह देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये
एम हिदायतुल्ला रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। अगला है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, जब किसी युद्ध देशों से युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि क्षमादान हर साल मामला ये उठता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में बिट्टो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में भारतीय राष्ट्रपति ने बिट्टो अपना उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो ये ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। कौन सी अधिकार है? विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन सी बनी थी? 12वीं बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, चुने गए हैं? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है, ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव कैसे हुआ? तो ये संविधान सभा द्वारा ये क्या हुए थे, चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कुल 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो अस्थायी सदन राज्यसभा है। अस्थायी सदन की बात करें तो वो कौन सा है? लोकसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो वो राष्ट्रपति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो आपका ये 6 महीना हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक से रिलेटेड होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? ये कभी नहीं करता है। क्या करता है? कभी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये दोनों प्रश्न वीवीआई याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? ये शून्यकाल भारत की देन है। आपको बता दूं कि शून्यकाल की कोई चर्चा हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट, किसी विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? ये संविधान संशोधन विधेयक। किस विधेयक को? संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न है,
संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये संसद ही करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ये 1989 में हुआ। अस्थाई संसद का भारत में कब तक रही है? अस्थाई संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक रही है। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो ये 1927 में पहली बार पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो ये भी संसद का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर दोनों का संयुक्त बैठक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निचला सदन होता है वो लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो ये कौन होता है? राज्यसभा होता है, जो अस्थाई होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संविधान के प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। किसके? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो ये 10 वर्ष तक भारत में निवास करेंगे तभी उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त था, लेकिन अब वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में कुल मूल जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है आपका, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? ये 6 माह प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की सीमा आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है। तो भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। क्या है भारतीय संघ की राजभाषा? हिंदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था। तो इसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? ये किया था पी के सन्मुखम सेट्टी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो ये भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों संसद के सत्र हैं। अगला है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का अस्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी? तो वे थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा तो बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ये सभी पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर के आर नारायण। कौन थे? डॉक्टर के आर नारायण। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की, 1962, 1971, 1975 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो अभी नीति आयोग है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? ये मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सभी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किससे कार्य किया है? तो ये कार्य किया है गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो ये रहे हैं चौधरी चरण सिंह। कौन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी और भारतीय संविधान में वहीं से मौलिक अधिकार लिया गया है।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? ये भाग तीन को कहा है। कितने भाग को? भाग तीन को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में छुआछूत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो सूचना का अधिकार 19 के क में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21 के क में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी बच्चों के साथ आप शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अधिकार है अनुच्छेद 25 में। किस में है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। किसको है? संसद को। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती बाद में दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसे अधिकार है? ये मूल अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की लागू करने के लिए रिट दायर की जाती है, कहाँ की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो हेबियस कॉर्पस। कौन सी? हेबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? या अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? तो राज्य की सदस्यता। क्या है? राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? तो देशद्रोह के आरोप में या वो आरोप सिद्ध होने पर यह छीन जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगला है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को केवल एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो 1955 में लागू किया। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के लिए विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो 1955 अधिनियम में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो 7 वर्ष है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये नीति निर्देशक तत्व। तो कौन है? नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ये कनाडा से। संविधान सभा में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो इंग्लैंड से उधार लिया है। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था से भारतीय संविधान ने किस देश की संविधान से ली है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये सभी संविधान के स्रोत हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। अगला है, वह संविधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो ये ली गई जर्मनी के बीमार संविधान से। कहाँ से ली गई? जर्मनी के बीमार संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार संयुक्त के बीमार संविधान से प्रेरित है, यानी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये भी लिया गया है। इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था कि वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आपको पता था कि सबसे अधिक जो उपग्रह वाला ग्रह हो गया वो अब शनि हो गया, याद रखिए। कौन सा हो गया है? शनि। अगला प्रश्न कि विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। कौन सा है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? वो थी एलेक्सी लियोनोव ने। किसने? एलेक्सी लियोनोव ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो है न्यू कैसल। कौन है? न्यू कैसल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो वो 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये विलियम विल्सन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेनिक के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत। कौन है? यकृत है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 943। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्नल हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो वो म्यूनिक विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। क्या है? स्थानीय उच्चावच। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है पहला। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज कोयले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो भूर बालू के टीले गंगा की मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बांदा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बांदा में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स जीतने वाली थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BN राव को नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितने बार होता है? तो कम से कम एक बार होता है। कितना बार होता है? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युगीन किस चीर शासक ने पत्नी पूजा या कन्नागी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो ये
सेन गुट्टू वन ने करवाया था। शुद्ध शब्द क्या है? तो कवि का शुद्ध शब्द इस तरह का कवित्री होता है, इस बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना। जैसे कवि, कवि का क्या होता है? कवित्री। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी देविका रानी। कौन थी? वो थी देविका रानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है 15, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होता है। नेक्स्ट, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? यह किया था किसने? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। यह भी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न, विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो वो थे एडा लवलेस। कौन थे? एडा लवलेस थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वह है महाभारत। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? यह है नंदन कानन उड़ीसा में। कहाँ पर है? नंदन कानन उड़ीसा में, काफ़ी डेंजर एरिया है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, याद रखिए। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो महाबत खां को। किसे की थी? महाबत खां को। संख लिपि किस स्थल से संबंधित है? संख लिपि का संबंध विराटनगर से। किससे है? विराटनगर से। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो वह है शुल्ब सूत्र। कौन है? वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? तो वह है आपका बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर मामल्लपुर में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? ये निर्माणाधीन है मथानिया जोधपुर में। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो वो है डिकेथलॉन। कौन है? डिकेथलॉन। नेक्स्ट, डिकेथलॉन एक इस प्रकार का खेल है जिसमें आप प्रथम नहीं आएंगे फिर भी आप फर्स्ट आ सकते हैं। वर्ष 2013 में किस टीम ने चैंपियन लीग T20 जीती थी? तो वो मुंबई इंडियंस ने जीती थी। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वो अर्थवर्म होता है, जिसे आप गाँव में केचुआ के नाम से जानते हैं। आपका तो पता होगा कि केचुआ किस तरह से बारिश में गाँव में निकलता है। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके मिश्र धातु लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, लुनियावास स्थान प्रसिद्ध है? तो लुनियावास स्थान गधों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसे पछाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछाव। रुमिनदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? ये सूचक है बुद्ध के जन्म का। किसका है? बुद्ध के जन्म का। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी शोध संस्थान छम्पद कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थान कहाँ है स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि सुमित्रानंद पंत निवासी थे? ये कौसानी अल्मोड़ा के निवासी थी। राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई थी? तो अहिल्या। कौन बदल गई थी? अहिल्या। उसे वो श्रापित थी, पहले पत्थर बन गई थी, फिर राम जी जब आए तो वो फिर महिला में रूपांतरित हो गई। अगला है, राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? तो 1992-93 राज्य में महिला डेयरी योजना शुरू की गई। राज्य में काबुली बाग कहाँ स्थित है? तो पानीपत में। कहाँ है काबुलीवाल बाग? पानीपत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य की उत्तर से दक्षिण, ये प्रश्न दूसरा आ गया। अगला है, राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादक संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था? तो ये लखेरी में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? लखेरी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे।
अगला प्रश्न है, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसे जीरोफाइट कहा जाता है। यह भी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। अगला प्रश्न, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? ये दी थे पंडित जगन्नाथ को। किसे? पंडित जगन्नाथ को दिया था। नेक्स्ट है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो ये परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1954 में। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो रेशेदार जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमें कब्ज से क्या करते हैं? बचाते हैं। अगला प्रश्न, कि रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था? तो DD1 का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो चंपत राय ने किया था। किसने किया था? चंपत राय ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, कि व्हाइट हाउस भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो साहित्य, साहित्य से भी हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कि बृहत्तम राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये उदयपुर के राजा को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कि विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? वह है पांडा, विश्व में अंगूरोत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशा कीट पालन कहाँ सुविकसित है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में क्या है? सुविकसित है। अगला प्रश्न है, विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो दूसरा है। कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है सऊदी अरब। विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश है? तो मंगोलिया तथा नामीबिया। कौन सा है? मंगोलिया तथा नामीबिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये जेम्बोजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ये समृद्धि का प्रतीक है। किसका है? समृद्धि का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, रावण की महारानी का नाम क्या था? तो रावण की महारानी का नाम मंदोदरी था। आप रामायण देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट, उसे रानीखेत नगर की स्थापना हुई थी? तो रानीखेत नगर की स्थापना 1869 में हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्य में बिरला मंदिर स्थित है? राज्य में बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, राज्य में उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई। कब हुई थी? 1999 में। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो धनबाद है। कौन है? धनबाद। राजस्थान में थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 175,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? तो वो जुरैसिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? जुरैसिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? सभी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। किससे? कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ही था जो मजबूत पार्टी था, फेमस पार्टी था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या होती है तो 50 लाख या उससे अधिक। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो वह है शीतोष्ण पर्णपाती वन की। किसकी है? शीतोष्ण पर्णपाती वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए आप, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ये प्रश्न भी इस बार पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज दरबार में किसने सिजदा एवं पावोस की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान में हमारे राष्ट्र की
का उल्लेख किस नाम से किया गया था, भारत तथा इंडिया के नाम से, ये दोनों हमारे संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, ये आप सभी को पता है, प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, तो शाहजहाँ आरा ने, किसने की थी, जहान आरा ने। व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र है तो है ICCR, कौन है, ICCR। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वेस्ट चेस्टर कप एवं काउंड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते थे, पोलो से प्रदान किए जाते, किससे, पोलो से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, कौन सा है, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, विश्व वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था, वो था टीपू सुल्तान, कौन था, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष 2008-09 में मुद्रास्फीति की 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर थी, तो वो 7% थी, 7% से अधिक थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है, 19 है, कितना है, 19। नेक्स्ट, लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, तो वह है सूरजमल जाट, कौन है, सूरजमल जाट। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, ये प्रश्न भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था, वो किया गया था 2001 में, कब किया गया था, 2001 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 11 मई 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। रजत रंगनी नामक ग्रंथ किसने लिखा, ये कलहन ने लिखा, किसने लिखा, दो दो बार इस बार एग्जाम में पूछा गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 74 में, कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 74 में इसका प्रयोग किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र कौन है, तो है दक्षिणी सूडान, कौन है, दक्षिणी सूडान। इसे संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो वो था कृषि, क्या था, कृषि था, क्योंकि पहले इतना तो डेवलपमेंट था नहीं। सुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कन वंश की स्थापना की थी, तो वो वसुदेव ने की थी, किसने, वसुदेव ने। नेक्स्ट, शाहजहाँ का ताज का देखना बुध और सुजाता कमल के पत्ते पर अश्रु कण वन सामग्री आदि का चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं, वो है अविनाथ ठाकुर, कौन है, अविनाथ ठाकुर की चर्चित कृतियां हैं। नेक्स्ट, व्यापारियों की कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे निगम कर कहते हैं। वैलेंटाइन डे किस दिन मनाया जाता है, ये तो सभी आप सभी को पता होगा, 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वीरों का कैसा होश बसंत कविता के रचयिता कौन है, तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट, रात्रि में उत्तर से दक्षिण की ओर आकाशीय पुल बनाने वाली सफ़ेद चमकीली पट्टीनुमा संरचना कहलाती है, इसे कहा जाता है आकाशगंगा, क्या कहा जाता है, इसे आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की किस वर्ष स्थापना की गई, तो ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, वो है बिहार, कौन सा राज्य है, वो है बिहार। अगला प्रश्न जो है इस बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, संगणक कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है, संगणक की यह परिभाषा अंशतः क्या है सही माना जाएगा। नेक्स्ट, शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों, क्योंकि आसान परिवहन होता है। सार्क, अगला प्रश्न निकल लीजिए, सार्क यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो सार्क यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहां पर स्थित है, ये शिवपुरी में स्थित है, कहां स्थित है, शिवपुरी में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो वो टोक्यो है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने, किसने किया था, रिचर्ड एटनबरो ने। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है आपका बांग्लादेश, कौन सा है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। नेक्स्ट,
रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है, तो वह है टेराबाइट। कौन है? टेराबाइट रिचर्ड हार्ट सोर्न कौन थे, तो वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई, तो 1999 से 2000 में ये किया गया, इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है सहयोगी संस्था है। रामायण में कौन सी रानी केकई राज्य की थी, तो ये केकई थी। कौन? केकई राज्य की थी, तो केकई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितना होती है, 30 वर्ष, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेटिक्स NIAG किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है, आपको बता दूं कि करनाल में। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की, उसका नाम है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ संवाद। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ संवाद। नेक्स्ट, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, इस आपके को पता है कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला उज्ज्वलित खनिज है, तो वो है अभ्रक। कौन है? अभ्रक। नेक्स्ट, वेबसाइट में प्रस्तुत एड्रेस को क्या कहा जाता है, इसे URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL। वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है, ये मिलता है लोरी कायन से। किस में? लोरी कायन से। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है, तो ये मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है, वह है स्वेज नहर। काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह है यकृत। कौन है? यकृत। नेक्स्ट, वर्ष 1998 में भारत में ने पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए, तो 5 किए। कितने किए? 5। नेक्स्ट, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118। लोदी वंश का कौन सा शासक गुरु गुलरुखी के नाम से कविताएँ लिखता था, तो वो कौन था? वो लिखता था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया है, तो ये पथरी तोड़कर बाहर निकलना। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने। कई शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है, वो है रेंडम एक्सेस। राष्ट्रीय विकास आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना किस वर्ष की गई, जुलाई 1988 में NHB की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, रामायण में रावण ने सीता को छलने के लिए कौन सा रूप धारण किया था, तो सन्यासी का रूप धारण किया था। किसका? सन्यासी का रूप धारण किया था। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवा निवृत्त कब हुई थी, तो वो 2 अप्रैल 1954 में। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 1962 में की थी। संचित निधि धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो संसद की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था, तो हेमू था। कौन था? हेमू। शिक्षा का तात्पर्य व्यवहार में सुधार, क्या है? व्यवहार में सुधार। नेक्स्ट, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो मस्तिष्क करता है। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है, इनकी जन्मस्थली चंपारण में है। कहाँ पे? चंपारण। वेद कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो वेद संस्कृत में लिखा गया था। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है, तो भारत में। विश्व खिलाड़ी एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, एथलेटिक्स दिवस 5 मई को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रास्ता कहाँ से प्रसार होता है, ये जम्मू कश्मीर से क्या होता है, प्रसार होता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करने वाला विकल्प है, तो ठोस, द्रव, गैस। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था, तो अथवन नाम था। क्या नाम था? अथवन। नेक्स्ट, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद श्वासित कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसे जैव क्षमता कहते हैं। वो कौन से कारक या प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे मृदा नहीं बनती है, तो वो मृदा नहीं बनती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट,
वर्ष की लंबाई कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो प्लूटो पे। कहाँ पे? प्लूटो पे। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की, ये अब्दुल लतीफ ने की थी। किसने? अब्दुल लतीफ ने। नेक्स्ट, वरीयता वस्तु की संकल्पना सर्वप्रथम दी गई तो मस्ग्रेव द्वारा। किसके द्वारा? मस्ग्रेव द्वारा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का प्रतिपादन किस साल दिया गया? ये दिया गया था 1905 में। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ये गौरीवाल्डी ने किया था। वह देश, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों को उधार देता है, क्या कहलाती है? इसे रेपो दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो दर। नेक्स्ट, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। क्या सा पाया जाता है? विटामिन B12। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वो था बंगाल। वर्ड प्रोसेसिंग में आप में हेर फेर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो ये सतारा का किया गया था। किसका किया गया था? सतारा का। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। रोहिणी श्रृंखला का प्रथम बुमराह कब छोड़ा गया? तो 1979 में छोड़ा गया। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ये एमएस सॉफ्ट, पेज मेकर, दोनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। किससे बदल संबंधित? दल बदल से। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। शैक्षणिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति दी थी? तो ये दी थी भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 में। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका? यह विवेकानंद का कथन है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ये होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? यह है 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। संतूर वाद्य में कौन प्रसिद्ध है? पंडित शिव कुमार। कौन प्रसिद्ध है? पंडित शिव कुमार। अगला प्रश्न कि शोले फिल्म के किस पात्र ने यह डायलॉग कहा था कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो कहा रहीम चाचा ने। सिख धर्म का धर्म पुस्तक कौन सा है? वो है ग्रंथ साहिब। कौन सा है? ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो ग्लोबुलिन का। किसका? ग्लोबुलिन। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। विश्व में निकिल का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? तो वो है कनाडा। कौन है? कनाडा है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, 8597 मीटर। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? ये लॉर्ड कर्जन के। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए ऑन टू कमांड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? ऑन टू कमांड का। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? तो अजमेर में किया था। लाल रंग के ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल रंग ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? तो अजमल खां। कौन थे? अजमल खां। रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का गठन कब हुआ? तो NSC का गठन किया गया था, आपको बता दें, कि 1 जून 2005 को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनीत करता है? तो 12 व्यक्तियों की, 2 लोकसभा में। रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट, वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है संहिता। अगला प्रश्न कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चामोली में स्थित है। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो वह है
कौन सी नदी है? वो है राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस नदी पर स्थित है? ये कैरो नदी पर स्थित है। विमान चालन चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? बैठने की जगह को कॉकपिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के तहत वंशा गति के नियमों की विभिन्नताओं आदि का अध्ययन किया जाता है? तो वह अनुवांशिकी के तहत, जेनेटिक्स। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजस्थान के इतिहास और प्राचीन ग्रंथ का लेखक था? तो वो थे कर्नल टोड। कौन था? कर्नल टोड। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में। किस क्षेत्र में है? अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? ये प्रस्तावना में है। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में हुआ था। श्रीनगर किस प्रांत का पर्वतीय स्थल है? तो ये जम्मू कश्मीर का स्थल है। शिमला किस प्रदेश की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन तत्व के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो लोहा है। कौन सा है? लोहा। वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है समांतर क्रम में। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली प्रमेय पर क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो ये नवीन बलित पर्वत में। विश्व की जो भी सबसे ऊंची ऊंची चोटी है नवीन बलित पर्वत में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है, यह सम्पन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। नेक्स्ट, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो यह है कैसली फेरॉल का। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो वो पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। विशिष्टि पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की स्थापना राजधानी किसने बनाया? तो ये बनाया प्रतिष्ठान को बनाया। राजधानी वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आप सभी को पता है अमृतसर में हुआ था। बर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध है? एडिट मेन्यू में उपलब्ध है। कलकत्ता के शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दाऊ मंदराजी सम्मान। लाल कुबर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? वो थी जहांदर शाह के काल में। लंदन का बेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो बेम्बले स्टेडियम का संबंध है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण दिए? अनुनाद का उदाहरण। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्य में घटेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये है रेवाड़ी में स्थित। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो ये चित्रकला क्षेत्र में क्या थे? प्रख्यात है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो मीना जनजाति है। कौन सी है? मीना जनजाति। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व वर्णित है वो 36 से 51 में। किस में? 36 से 51। नेक्स्ट, जो भाग 4 में स्थित है, संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? वो थे मेजर जनरल लॉयड। कौन थे? मेजर जनरल लॉयड। नेक्स्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु की मातृभूमि नवद्वीप कौन सी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? ये स्थित है भागीरथी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, शिपिंग मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में फैले प्रमुख बंदरगाहों को ज़्यादा स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये परियोजना हरित बंदरगाह। कौन सा परियोजना है? हरित बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो गठिया रोग है। कौन सा रोग है? गठिया रोग। अगला प्रश्न कि वोडाफोन एसआर किस प्रकार की कंपनी है? दूरसंचार कंपनी। वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि विश्वविख्यात खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। कब कराया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में यह करवाया गया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो बता दूं कि ये भारत है। कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? ये संविधानेतर इकाई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक लोगों का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था?
तो इसका शुभारंभ 1966 में हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में क्या है स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार रावण ने लंका नगरी को किस राजा से छीना था? तो कुबेर। किसे छीना था? कुबेर से छीना था। राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। राज्य के गौरव चंदन सिंह गहवाली थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। राजस्थान के इस गांव में पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है। ये भिलूरा है, कहाँ पे है? भिलूरा। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन टिन ब्रेगन और रेगनार फ्रिस को दिया गया था। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। शिलांग पिक किस राज्य की उच्चतम चोटी है? तो मेघालय की उच्चतम चोटी है। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? तो शहद में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसे संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति। वेंचुरीमीटर से क्या मापते हैं? ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी के पर विकसित की गई? तो अलकनंदा नदी पर यह क्या की गई? विकसित की गई है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व में की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील। विश्व की सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। विश्व का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है वह संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच में? तो उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में। बाकी ये सारे प्रश्न तो हो गया है। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर आती है तब राजा भगीरथ किससे उसके प्रभाव को कम करने की प्रार्थना करते हैं? तो वो शिव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो ये टीटी कृष्णाचारी ने। किसने कहा था? टीटी कृष्णाचारी ने। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1928 ईस्वी में। कब की गई थी? 1928 में। राजस्थान के जयपुर नगर के निकट आभा नेरी ग्राम में स्थित चांद बाबरी में कितनी संकरी सीढ़ियाँ हैं? तो 3500 है। कितनी है? 3500। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता? तो कंप्यूटर में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार क्या होता है? नहीं दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो एम्मी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एम्मी पुरस्कार। श्रीरामपुर श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह फरुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? फरुखाबाद में स्थित है। शिवजी की राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो वो थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला है, शांत पेटी किस राज्य किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते? तो ये राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब कुछ साइंस का पहला प्रश्न, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन? क्षार। नेक्स्ट, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेफोनिफिकेशन। नेक्स्ट, रक्त का कितना परसेंट भाग में प्लाज्मा होता है? तो 55%। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो लगभग 140 ग्राम। कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य 24 घंटे मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। कितना करता है? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न कि हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड। कौन है? मेरुदंड। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? तो 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। कौन सा है? सी ब्रेन। नेक्स्ट, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरॉक्स। पेनिसिलिन मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथोजाइलोन कोका। नेक्स्ट है, पित्तरस को स्रावित करता है? तो यकृत।
कौन करता है? या करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरक्स। ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। निश्चित आपके लिक्राइमल ग्रंथियां नवित करती है, तो ये आंसू को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, कि सेल्फी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फैदोमीटर द्वारा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो फ्लुएम द्वारा। डीएनए की खोज की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो फ्रेयन गैस की। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 150 न्यूटन प्रति मीटर, 105 न्यूटन प्रति मीटर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है अनंत। नेक्स्ट, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोर्कर तथा मरसमस की बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कि डीएनए की इकाई कहलाती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें म्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। धातु की वेल्डिंग की ये के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बोलक है? तो एथिलीन का। लोहे के जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। नक्शा है गैलेना किस धातु का आविष्कार? तो सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। की पीएच का निर्धारण किसने किया है? तो सोरेनसन ने। किसने किया है? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट की किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न, हैजा किस सूची द्वारा होता है? तो ब्रियो कोलेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो महाधमनी है। कौन सी है? महाधमनी। अगला, कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता सीजीएस मात्रा क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? तो फॉरेनहाइट। कौन थे? फॉरेनहाइट थे। अगला प्रश्न, पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो है क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पोस्टिस द्वारा। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्र को। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्राइबिनोजेन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पागल कुत्ते काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो यह है हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक एवं अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक एवं अवशोषक। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पादक उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो है संयोजी उत्तक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सा है? वो है धमनी। कौन सा है? वो है धमनी। अगला प्रश्न, कि टिटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तो वह है तंत्रिका तंत्र। नोबेल का तेल कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अवघटन कहलाता है, साबुनीकरण। क्या कहलाता है? साबुनीकरण। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एवं माउथ रोग होता है विषाणु से। किससे होता है? ये विषाणु से होता है। लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? सहवालों की उपस्थिति के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो इसे कोर्टिकोलस कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ये कोप्रोफिलस। इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कि जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वाधिक सर्वदाता सर्वग्राही है, तो ओ को सर्वदाता, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। पित्त उत्पन्न होता है। यकृत में स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। आप सभी को पता है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते काटने से। वायरोलॉजी संबंधित विषाणु का अध्ययन से। कीट विटामिन की कमी से
कारण हृदयघात होता है। तो विटामिन B1 की कमी से हृदयघात होता है। विद्युत द्वारा किससे नापी जाती है? तो विद्युत धारा और मीटर से क्या होते हैं नापी जाती है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो -37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। किसके उपचार में? ट्यूमर के उपचार में। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या का कार्य है? तो इसका कार्य एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न, पिचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंटीअमीबा प्रबाल एक है समुद्री जीव। ब्लड प्रेशर नियंत्रण मापक यंत्र है? तो एस्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन कार्य करता है ऑक्सीजन के परिवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती EB में, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ओ में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। श्वसन क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। याद रखिए ट्यूबेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में। इस तरह से आज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में शामिल किया गया है वो सभी VBI क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।